तो जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है रियल न्यूज ऑफ इंडिया में। आपका मेजबान आशिक जाफरी आपकी खिदमत में हाजिर है। अभी हम सांता क्रूज वेस्ट में मौजूद हैं। आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, एक बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा है, एक बर्थडे पार्टी मनाई जा रही है। और ये बर्थडे सेलिब्रेशन BSNL महाराष्ट्र सर्कल का ये जो मेन ब्रांच है, हेड ऑफिस बोलेंगे इसको, यहाँ पर एक वरिष्ठ अधिकारी है जो गणेश हिंगले जी का जन्मदिन, उनका जन्मदिन बड़ी खुशियों से यहाँ पर मनाया जा रहा है। देखिए, आपको मैं दिखाना चाहूँगा किस तरह से लोग, इनके सारे एम्प्लॉयज, सारे कर्मचारी, सारे इनके यूनियन के लोग यहाँ पर सब बड़ी खुशियों से मना रहे हैं। और जो ये वरिष्ठ अधिकारी हैं, ये BSNL यूनियन के स्टेट महाराष्ट्र सेक्रेटरी हैं, इसलिए इनका जन्मदिन खुशियों से मनाया जा रहा है। इनको 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं, 50वां बर्थडे इनका मनाया जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हम आपको हमारे न्यूज़ चैनल पर दिखाएंगे और गणेश हिंगले जी का इंटरव्यू भी दिखाएंगे, क्या उनका ये जन्मदिन की खुशी पर क्या कहना है। इसी तरह बने रहिए।
और जो कर्मचारी महाराष्ट्र में काम करते हैं उनके इश्यूज को कहीं ना कहीं हम रिजॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो इसमें मुझे ये तीनों बड़े अधिकारी, इनका मुझे हमेशा सहयोग मिलता है। आज आप बड़े उदार मन से यहाँ पर आए, मुझे शुभकामनाएं दें, मुझे आशीर्वाद दिए, इसलिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी रहूंगा। जो जन्मदिन मनाया जा रहा है बड़ी खुशियों के साथ, यहाँ पर हमारे बीच एक वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं बीएसएनएल के। चलिए इनसे बात करते हैं कि आज गणेश हेंगले साहब के खुशी, जन्मदिन की खुशी के अवसर पर सर का क्या कहना है। सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सर गणेश हेंगले जी के बारे में कुछ अच्छाइयाँ बताइए और किस तरह से आप लोग इनका बर्थडे मना रहे हैं इसके बारे में कुछ बताइए। आप सभी ने देखा होगा कि जो आज हेंगले साहब का 50वां जन्मदिन हम लोग बीएसएनएल एम्प्लॉयज यूनियन की तरफ से मना रहे। मैं बीएसएनएल एम्प्लॉयज यूनियन का जिला सचिव हूँ और ये पूरा मुंबई जिले की तरफ से हमारा ये प्रोग्राम हो रहा है। आपने अभी देखा होगा कि जो हेंगले साहब ने जो उनके कार्यकाल में जो प्रयास किया है, जो ब्रांच सेक्रेटरी से लेके सर्कल सेक्रेटरी, मतलब ब्रांच मतलब वो लोकल लेवल पे रहता है, सर्कल बोलेगा तो वो स्टेट लेवल, पूरा महाराष्ट्र लेवल के वो नेतृत्व कर रहे हैं और उनका नेतृत्व में सभी महाराष्ट्र के सभी कॉमरेड जो है हमारे बीएसएनएल के सभी कॉमरेड उनके साथ में है। और उनका जन्मदिन का एक तोहफा ऐसा है कि उनके एज में 50वें उनका जन्मदिन मना रहे हैं हम सभी लोग, सभी कार्यकर्ता, हमारे सभी कार्यकर्ता उनका 50वां जन्मदिन मना रहे हैं। और उनके ये कार्यक्रम के लिए हमारे जो AIBDPA एक संगठन हमसे जुड़ी है, सभी संगठन UAB के सभी पार्ट है, जो SNE है, सेवा है, NFT है, सब हम सब लोग कोई भी संघर्ष हो तो वो एक एज हमारे जो गणेश हेंगले जी है वो सभी के कन्वीनर भी है, वो सबको साथ लेके जाते हैं। तो इसीलिए इतना माहौल आपको दिख रहा है, वो जो सभी को प्यार कर मोहब्बत दिख रहा है, या सभी लोग उनसे बहुत सारे प्यार भी करते हैं, मोहब्बत भी करते हैं और उनका नेचर भी अच्छा है कि जो सभी के प्रति काम में आते हैं। आज हमारे यहाँ BSNL में 2019 में जो VRS का आया, VRS के बाद भी VRS होने के बाद बहुत सारे लोग उनसे ये आज के जन्मदिन के लिए आए, उनका भी हम लोग स्वागत कर रहे हैं और सभी लोग बहुत अच्छी तरह से उनका स्वागत कर रहे हैं। धन्यवाद, थैंक यू सर। तो हमारे बीच चालू करो वो उसको सेव करके वापस। हमारे बीच यहाँ पर एक और वरिष्ठ अधिकारी खड़े हैं, शिव कुमार जी। तो चलिए, इनका भी बड़ा योगदान है इस जन्मदिन में और बड़ी खुशियों से ये लोगों को ट्रीट कर रहे हैं गणेश हेंगले जी के जन्मदिन को लेकर। तो चलिए इनसे पूछते हैं कि ये क्या गणेश सर के लिए अच्छाइयाँ बताना चाहेंगे। आइए, आपका स्वागत है शिव कुमार जी। गणेश सर के लिए क्या बताना चाहेंगे, किस तरह के वो पर्सन है? मैं गणेश हेंगले जी को बहुत प्यार करता हूँ, ये नाइस पर्सन। मैं केरला से आया, एक साल हो गया इधर सके, या उसके पहले भी हम लोग का मेरे को मालूम है, हमारा BSNL एम्प्लॉयज उनका ये महाराष्ट्र स्टेट सेक्रेटरी है, सब सेक्रेटरी को मालूम है। तो गणेश हेंगले जी पहले मेरे को दोस्ती बन जाता, बाद में इधर आया ज़्यादा दोस्ती हो गया, एक साल के बाद अभी दिसंबर में मैं एक साल हो गया। मेरे बारे में कह रहे थे कि गणेश हेंगले जी कहते थे क्या बोल, ये अच्छा एकदम नाइस पर्सन, वेरी काइंडेबल पर्सन है, सबको हेल्प करता है, ऐसा है मेरा कहना। अभी मैं केरला वाला हूँ, मलयाली है वो, मलया ऐसा भाषा का बारे में, वो कास्ट का बारे में, वो रिलीजन का बारे में सोच के नहीं वो कमरेड काम नहीं करता है, ऐसा है नहीं, सबको हेल्प करता है। अलग यूनियन वाला का बोली उनके पास आएगा ना वो हेल्प करता है, ऐसा है उनका नेचर। बहुत बढ़िया, हैप्पी बर्थडे कॉमरेड गणेश हेंगले जी।
थैंक यू। तो देखिए यहाँ पर हमारे बीच, यहाँ पर हमने देखा कि जन्मदिन का खुशी का माहौल जो चल रहा है, इसी माहौल में हमारे यहाँ पर एक वरिष्ठ सीनियर मतलब मैडम्स लोग यहाँ पर मौजूद हैं और बड़ी खुशियों के साथ ये गणेश सर का जन्मदिन मना रहे हैं। तो चलिए मैडम से जानने की कोशिश करेंगे कि गणेश सर के लिए क्या बताना चाहेंगे, वो कितने अच्छे पर्सन है। चलिए बात करते हैं। मैडम आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैडम गणेश जी को लेकर आप जिस हिसाब से खुशियाँ मना रहे हैं आप लोग, और जिस हिसाब से मैंने देखा आप लोग आरती उतार रहे थे उनको और विश कर रहे थे, तो गणेश जी के बारे में कुछ अच्छी बातें बताइए। पहले तो मैं, आप यहाँ पे आए हमारा ये कवर कर रहे हैं उसके लिए हम आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। यहाँ पे आज हम हमारे गणेश इंगेज सर, जो हमारे BSNL EU के महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट के सर्कल सेक्रेटरी है, तो उन्होंने जो शुरुआत की थी वो पहले ब्रांच सेक्रेटरी थे, ब्रांच सेक्रेटरी से आज वो सर्कल सेक्रेटरी बने। हम यही विश करते हैं उनको कि वो उनकी सेहत अच्छी रहे, उनको उनका अगला आरोग्य बहुत अगला जो ये है उनका आयुष्य वो बहुत सेहतपूर्ण जाए और उनकी दिन ब दिन ऐसी प्रगति हो जाए कि वो आज महाराष्ट्र का नेतृत्व कर रहे हैं, आगे जाके वो हमारे पूरे देश का BSNL EU का नेतृत्व करें। उनके बारे में कहना चाहूँगी कि वो एक ऐसे व्यक्ति है जो लीडर कैसा हो वो अगर आँख बंद करके हम सोचे तो उनका ही चेहरा हमारे सामने आता है। बहुत ही शांत स्वभाव के, जहाँ पे मतलब झगड़ना चाहिए वहीं पे झगड़ते हैं, लेकिन वो हमेशा ऐसा ही होता है कि वो पर्सनल लेवल पे नहीं होता है, वो अपने क्या कहते हैं कि अपने जो अपना मुद्दा है वो ये करने के लिए वो हमेशा आगे रहते हैं। हमें उनको देख के हमें प्रोत्साहन मिलता है कि हमें भी लड़ना चाहिए, हमें भी आगे आना चाहिए, ये सब उन्हीं की वजह से हो रहा है। मैं सभी की मतलब हमारी वर्किंग वुमेन्स कोऑर्डिनेशन BSNL EU की ओर से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। थैंक यू सो मच। तो देखिए यहाँ पर यही वरिष्ठ अधिकारी हैं जो इनकी खुशियों में सारे लोग शामिल हैं, यहाँ पर BSNL के सारे एम्प्लॉयज, सारे वरिष्ठ अधिकारी, महिला मंच के एम्प्लॉयज, सारे मतलब सारे तमाम लोग इनकी खुशियों में शामिल हैं और इनके लिए ही सारी तमाम चीज़ें बताई जा रही थी, कितनी खुशियों के साथ इनको बताया जा रहा था कि कितने अच्छे अच्छे इनके काम हैं और ये यूनियन में किस तरह से लोगों की सहायता करते हैं। तो ये गणेश हेंगले जी हैं जिनका 50वां जन्मदिन BSNL के सारे कर्मचारी मिलकर मना रहे हैं। तो चलिए सर से बात करते हैं इस खुशी पे, सर का क्या कहना है इनके जन्मदिन की। सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सर आज जिस तरह का एक माहौल देखने के हमको मिल रहा है, बड़ी खुशियों के साथ सारे लोग आपके जन्मदिन को मना रहे हैं, तो आज हमारे चैनल के माध्यम से ये सारे लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं आप? सभी को नमस्कार। देखिए हर व्यक्ति के जीवन में उसका जन्मदिन है तो एक इम्पोर्टेंट डे होता है और उसमें वो अगर 50वां हो तो वो और भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो मेरे सभी साथियों ने, मेरे यूनियन के लोगों ने, मेरे हित चिंतक जो भी है BSNL परिवार से जुड़े हुए हैं, उन्होंने एक निर्णय किया था कि ये जो 50वां जन्मदिन है एक अच्छे तरह से हम मनाएंगे। तो निश्चित रूप से इन्होंने आज एक, आप देखे होंगे कि आज एक बड़ी खुशी है और सभी लोग इसमें उत्साह से शामिल हुए और अपनी अपनी बातों को यहाँ पर रखा। अगर आप देखेंगे कि अगर BSNL में रिटायरमेंट है तो 60 साल का रिटायरमेंट है, अगर BSNL चाहता है तो हम और सर्विस करें तो मेरा 10 साल का सर्विस हो जाएगा। और आज के इस दिन के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आज के दिन ने मुझे इतनी शक्ति दी है कि आने वाले 10 साल में मैं और काम कर सकूँगा और जो मेरे BSNL के कर्मचारी है, मेरे सेवानिवृत्त कर्मचारी है या हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स है उनके लिए और 10 साल काम करने की शक्ति आज इस मौके ने मुझे दी है, इस समारोह ने दी है। उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार रहूँगा और आज इतने बड़े संख्या में आप सभी उपस्थित रहे तो एक बार आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और इसी तरह मुझे आप शुभ आशीर्वाद देते रहिए और मुझे काम करने के लिए प्रेरित करते रहिए। धन्यवाद। के सर ने अपनी सारी तमाम बातें रखी अपने सारे लोगों के लिए, जो भी इनके चाहने वाले लोग यहाँ पर जीत बैठे हैं, इन सबका इन्होंने शुक्रिया अदा किया हमारे चैनल के माध्यम से। तो इसी तरह से बने रहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।